लेके निकलती हूँ सर। मेरे शहर में प्रेम विवाह का बहुत ही अच्छा मुझे अनुभव हो रहा है। मुझे अभी ज्वाइन किए हुए एक महीना हुआ है और लगभग रोज़ाना एक प्रेम विवाह यहाँ पंजीयन के लिए आता है। मुझे खुशी है कि मुझे इस पद पर रहते हुए ये धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य करने को मिल रहा है। इस विवाह में पंजीयन भी हो जाता है, पंजीयन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता होती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक महीने में लगभग रोज़ एक प्रेम विवाह होता है और इस प्रेम विवाह में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, सारे बंधन टूट रहे हैं। लड़का मुसलमान और लड़की SC, लड़का पंजाबी, लड़की नेपाली, लड़का तलाकशुदा, लड़की विधवा और लड़का जाट, लड़की भील, आज जो हो रहा है इसमें लड़का रावत है और लड़की कोली है। कल भी एक विवाह करवाया था मैंने, प्रेम विवाह, उसमें लड़का ब्राह्मण था और लड़की कोली थी। और आज वाले विवाह की ये विशेषता है कि लड़का 21 साल का आज ही हुआ है और आज ही वो आ गया है विवाह करने के लिए। लड़की भी 19 साल की है और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि लड़के लड़कियाँ स्वयं अपने पसंद का जीवन साथी चुन रहे हैं और लाखों रुपए का जो अनावश्यक व्यय है उससे उनकी और उनके माँ बाप की बचत हो रही है और अनावश्यक कर्जे के बोझ से वो लोग बच रहे हैं और अपने पसंद के साथी से विवाह कर रहे हैं। अच्छी बात है कि धर्म और जाति के बंधन टूट रहे हैं और ब्राह्मण अनुसूचित जाति की लड़की से विवाह कर रहा है, जाट है भील से कर रहा है, तो बड़ा अच्छा है। इससे जाति बंधन एक कोई टूटेंगे भी आया था आपके पास? हाँ, एक हाँ बिल्कुल, पुष्कर के एक युवक ने एक अंग्रेज लड़की से भी विवाह किया है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ अंग्रेज लड़कियाँ भी आ रही हैं।